नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। क्या किसान सम्मान निधि की राशि बढ़कर हो जाएगी 12,000 रुपए? सरकार ने दी बड़ी जानकारी। आपको बता दें, अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। हाल में मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये खबर सामने आ रही थी कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों की आर्थिक मदद के लिए चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाकर 8,000 से 12,000 रुपये किया जा सकता है। इतना ही नहीं, महिला किसानों को भी सरकार खास तोहफा दे सकती है। हालांकि अब इस खबर पर सरकार ने एक बड़ा बयान दिया है। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि उसके पास पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि किसान योजना के तहत महिला किसानों के लिए भी राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अब किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि उनका ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी महीने के अंत तक या फिर मार्च में सरकार किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी कर सकती है। इसके जरिए देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विधानसभा की कार्यवाही सुबह तक के लिए स्थगित। राज्यपाल ने कहा तीर्थ स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का बुधवार को पहला दिन रहा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कांग्रेस विधायक हंगामा करने लगे। बोले, राज्यपाल से झूठ बुलवाया गया। विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल के अभिभाषण की खास 5 बातें। राज्यपाल ने 48 पेज के अभिभाषण में 59 पॉइंट में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियां बताई। उन्होंने भाषण के कुछ अंश पढ़े, इसके बाद सदन से चले गए। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे प्रदेश को भक्तिमय माहौल में सरोवर कर दिया है। चित्रकूट और ओरछा में राम वन गमन पथ के लिए मेरी सरकार ने प्रतिबद्ध होकर काम शुरू कर दिया है। तीर्थ स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में श्री राम और श्री कृष्ण के कदम पड़े हैं, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। 724 किलोमीटर लंबी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। केन बेतवा पार्वती काली सिंधी चंबल लिंक परियोजना प्रदेश विकास में मील का पत्थर साबित होगी। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अंतरिम बजट पेश करेंगे। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के चलते सरकार अंतरिम बजट ला रही है। जुलाई में मानसून सत्र के दौरान पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। संकट की घड़ी में सरकार प्रभावितों के साथ, पूरी मदद दी जाएगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला अस्पताल हरदा पहुंचकर पटाखा दुर्घटना में हुए घायल व्यक्तियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। डॉक्टर यादव ने अस्पताल प्रबंधन को दुर्घटना में घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने घायलों को आश्वस्त किया कि संकट की घड़ी में सरकार प्रभावितों के साथ है, पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। घायल व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बताया कि हादसे में उनके घर पूरी तरह टूट गए हैं, मवेशी भी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हरदा कलेक्टर को क्षतिग्रस्त आवासों की लिस्टिंग कर पीड़ित परिवारों को आवास के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घायल मवेशियों का बेहतर उपचार किया जाएगा, मृत हुए मवेशियों का मुआवजा भी प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा। एमपी सरकार ने फिर लिया 3,000 करोड़ का कर्ज। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने 15 दिन के अंतराल में
5,500 करोड़ का कर्ज लिया है। 23 जनवरी को 2,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। वहीं 7 फरवरी को 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से लिया गया। यह 1,500 करोड़ के रूप में 16 और 17 वर्षों की अवधि के लिए है। वित्त वर्ष की समाप्ति के पहले सरकार 31 मार्च तक सभी बाजार से 8,000 करोड़ तक का कर्ज उठाने की तैयारी में है। इसके पहले RBI की गाइडलाइन के आधार पर मंगलवार 6 फरवरी को बीडिंग के जरिए 1,500 करोड़ रुपए के दो अलग अलग कर्ज लेने की प्रक्रिया पूरी कराई गई, जिनका भुगतान 7 फरवरी बुधवार को हुआ। एक कर्ज में भुगतान की समय अवधि 7 फरवरी 2040 और दूसरे में 7 फरवरी 2041 रखी गई है। इसके पहले जनवरी में ही 24 जनवरी को 2,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था, जिसे 24 फरवरी 2040 तक चुकाना होगा। आज सोना चांदी खरीदने का है क्या विचार, जाने 7 फरवरी का ताजा भाव। आपको बता दें, परिवार में कोई फंक्शन या शादी है या फिर त्योहारों से पहले सोना और चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले आज 7 फरवरी का ताजा भाव चेक कर लें। आज बुधवार को सोने चांदी की कीमतों में फिर बदलाव आ गया है। सोने में 250 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त हुई है। वहीं चांदी के दाम में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। आज बुधवार को सराफा बाजार द्वारा जारी सोने चांदी की जारी नई कीमतों के मुताबिक आज 7 फरवरी को 22 कैरेट सोने के दाम 58,150 रुपये, 24 कैरेट के दाम 63,330 रुपये और 18 ग्राम 47,580 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 74,500 रुपये चल रहा है। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 63,000 और चांदी के दाम 74,000 के पार पहुंच गए हैं। बजट में कम हो सकती है पेट्रोल डीजल की रेट, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन की बजाय नई स्कीम ला सकती है। आपको बता दें, विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट गुरुवार को पेश होगा। इस अंतरिम बजट में सरकार नई भर्तियों, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने समेत कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। वहीं पिछली सरकार की योजनाओं का भी नाम बदला जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में आंध्र प्रदेश मॉडल लागू करने पर सरकार विचार कर सकती है। दो बड़े फैसलों की तैयारी में सरकार, चिरंजीवी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना। आपको बता दें, गहलोत सरकार के समय शुरू की गई चिरंजीवी योजना का नाम बदलेगा। चिरंजीवी योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना होना तय माना जा रहा है। अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। फ्री इलाज और फ्री जांच की सुविधा जारी रहेगी। फिलहाल योजना में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। पेट्रोल डीजल वैट कम करने के लिए बनेगी कमेटी। प्रदेश में डीजल पेट्रोल के वैट कम करने को लेकर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि अभी तय नहीं है कि सरकार सीधे तौर पर वैट कम करेगी या नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके लिए कमेटी बनाने का फैसला सरकार अंतरिम बजट में ले सकती है। गाय पालने पर सब्सिडी मिलेगी, अंतरिम बजट में किसान और पशुपालन सेक्टर में घोषणाएं तय मानी जा रही हैं। घर घर गाय पालने के लिए सब्सिडी या प्रोत्साहन देने की घोषणा संभव है। इसके लिए कामधेनु योजना शुरू की गई थी। कामधेनु योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। देसी नस्ल की गायों को पालने के लिए पहले से योजना चल रही है, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। गौ आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खास प्रावधान किए जा सकते हैं। किसानों के लिए MSP पर बोनस बढ़ाने की घोषणा, किसानों से MSP के तहत होने वाली खरीद पर बोनस बढ़ाने की घोषणा होगी। इसका फैसला हो चुका है, फेज मैनर में बोनस बढ़ाया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर